back to my channel Just Flow with Juhi. I hope you all are doing very good. आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, क्योंकि ये व्लॉग जो है उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो अपने बच्चों के लिए प्रेप, नर्सरी या और हाई स्टैंडर्ड्स में एडमिशन करवाने का सोच रहे हैं। इस व्लॉग में मैं उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि किस तरह से दिल्ली NCR के टॉप स्कूलों में एडमिशन प्रोसेस होता है और आपके बच्चे को क्या आना चाहिए और आपको किस तरह से पूरा इंटरव्यू फेस करना है। ये जो प्रोसेस है ये फॉलो होता है ऑल ओवर इंडिया के टॉप स्कूल्स में। इस ब्लॉग को प्लीज आप पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा। आप इस चैनल पे न्यू तो मैं आपको बता दूं आप किस तरह से इस चैनल पर से किसी भी वीडियो को व्यू कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब के साथ बेल बटन जरूर प्रेस करिए जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में तुरंत नोटिफिकेशन मिल सकता है। प्लस आप कॉमेंट करिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी करिए। ब्लॉग को किया है मैंने 2 पार्ट में डिवाइड, जहाँ फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप भी अपने बच्चे के एडमिशन प्रोसेस के लिए देख रहे हैं तो आप किस तरह से किन 3 बातों का ध्यान रख के स्कूल सिलेक्ट करिए। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी दिल्ली NCR के टॉप 3 स्कूल जहाँ पे हम गए थे एडमिशन के लिए निश्चय के लिए, और ये तीनों ही स्कूल में निश्चय का सिलेक्शन हो गया था, तो हमने किन किन चीजों का ध्यान रखा था ये स्कूल में। प्लस मैं इन 3 स्कूलों के बारे में आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस बताऊंगी कि यहाँ एडमिशन कैसे होता है। ये कौन से 3 स्कूल है, सबसे पहला द खेतान स्कूल, द विश्व भारती पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा। Whenever you are looking for an admission process for your kid, please make a list of all the preferred schools or a checklist of the school. आप कौन से schools में चाहते हैं ये आपके बच्चे का admission हो जाए, तो priority wise आप उन schools के नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपको 3 major चीज का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहला, वो स्कूल और आपके घर की डिस्टेंस कितनी है। वो स्कूल ज्यादा दूर भी ना हो ट्रैवलिंग वाइज बच्चे के लिए, क्योंकि काफी स्कूल्स इस चीज को इम्पोर्टेंस देती है कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो उन्हीं के आसपास से आ रहा है, ना कि काफी दूर से आ रहा है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है द हिस्ट्री ऑफ द स्कूल। निश्चय के लिए जो स्कूल सिलेक्ट किए थे उनकी हिस्ट्री मेरे लिए ये थी कि कौन से स्कूलों में से कितने बच्चे जो 10th या 12th के बोर्ड से निकले हैं वो ऑल इंडिया रैंकिंग में आए। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो फीस। आप प्लीज फीस स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो स्कूल है उसमें जो फीस स्ट्रक्चर होती है वो डिवाइडेड होती है मंथली फीस, एक होता है ट्रैवल बस एक्सपेंस एंड द एडमिशन चार्जेस। तो ये तीनों ही फीस को जो है आप स्कूल की अच्छे से स्टडी कर लीजिए। इन 3 क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अगर आप स्कूल की एक चेकलिस्ट बनाएंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द एडमिशन प्रोसेस ऑफ टॉप 3 स्कूल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये जो तीनों ही स्कूल है, द खेतान स्कूल, विश्व भारती पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा, इधर तीनों में जो एक चीज कॉमन थी वो था एडमिशन फॉर्म। इसके कुछ चार्जेस होते थे करीबन 1500 से 2000 के बीच में एक एडमिशन फॉर्म मिलता था। तीनों ही स्कूल्स में एडमिशन फॉर्म हमने हार्ड कॉपी ली थी। इस एडमिशन फॉर्म को आप लीजिए बहुत ही सीरियसली, क्योंकि ये है टिकट टू फिनाले। इस एडमिशन फॉर्म की फिलिंग पे ही डिपेंड होगा कि क्या आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। भी स्कूल का एडमिशन फॉर्म लें, आप आराम से एक दिन बैठ के उसको रीड करिए और आप इसको फिल अप कैसे करेंगे, तो इसके जो सारे आंसर्स हैं वो आप पहले एक रफ नोटबुक या रफ पेपर पे लिख लीजिए जिस तरह से वहां पे मेंशनड है। आप उस सारे ही आंसर से जब सेटिस्फाइड हो देन यू कॉपी दोज आंसर्स ऑन योर एडमिशन फॉर्म। आपको ये एडमिशन फॉर्म बहुत ही ध्यान से और अच्छे से लिखना चाहिए, क्योंकि यही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। मैं यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि बड़े स्कूल्स में और जितने भी टॉप स्कूल्स है ऑल ओवर इंडिया, एक सेपरेट फॉर्म स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे ये लोग केवल फॉर्म स्क्रीन करते हैं लोग कि किन फॉर्म्स के बच्चों को हमें इंटरव्यू के लिए बुलाना है। व्हाट हैपेंस इफ यू गेट सिलेक्टेड, योर फॉर्म गेट सिलेक्टेड, यू रिसीव ए इंटरव्यू कॉल। तो अब इस इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कुछ चीजों की तैयारी तो करनी पड़ेगी। वो क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग आपसे मेल, फॉर्म या मैसेज में मांगते हैं वो आप अपने पास हैंडी रखिए, उनकी ऑलरेडी एक फाइल बना लीजिए जो आपको वहां लेके जाने हैं, ठीक है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर अटायर। आपको इंटरव्यू के दिन क्या पहन के जाना है, आप कुछ भी तो नहीं पहन के जा सकते, सो यू हैव टू सिलेक्ट अ फॉर्मल और अ सेमी फॉर्मल। अगर आप मॉम है, मदर है, आराम से साड़ी पहन सकते हैं, सलवार सूट पहन सकते हैं, इवन जीन्स और फॉर्मल शर्ट पहन सकते हैं। मैंने निश्चय के एडमिशन प्रोसेस में पहना था
सेमी फॉर्मल वन पीस। आप बच्चे को तो कुछ भी पहना सकते हैं। आपका जो अटायर होना चाहिए वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच होना चाहिए। अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मैं आपको ये तीनों ही स्कूल्स का एक साथ बता रही हूँ। तो विश्व भारती स्कूल वॉज द सिंपलेस्ट प्रोसीजर, जहाँ वो बच्चे को अलग से लेके जाते हैं। सेम रूम ही था बट वो बच्चे को अलग से लेके जाते हैं, उनसे कुछ राइम्स पूछते हैं, वेजिटेबल्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स एंड यू नो वेदर्स एंड जो नॉर्मल चीजें जो 3 से 4 साल के बच्चे को आनी चाहिए। पेरेंट्स से जो इंटरेक्शन हुआ था जनरली वो हमारा विजन जानना चाहते हैं कि हम क्या सोचते हैं स्कूल्स को लेके और हम अपने बच्चे को कैसी क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं। खेतान एंड डीपीएस, खेतान और डीपीएस में क्या हुआ था कि वहाँ पे पेरेंट्स को सिट करवाया गया था और उन्हें क्वेश्चनर फिल करने को दिया गया था। ये क्वेश्चनर कुछ 4 to 5 pages का था, जहाँ पे वन पेरेंट हैड टू फिल ऑल द फॉर्म। तो इस फॉर्म में क्या क्वेश्चंस थे कि आपका विजन क्या है, आप क्या सोचते हैं एजुकेशन के बारे में। डीपीएस में जहाँ पे मेरे से क्वेश्चनर में एक क्वेश्चन लिखा था कि व्हाट डू यू थिंक इफ यू नो बुलिंग ऑफ अ चाइल्ड, कि अगर आपके चाइल्ड को बुली करते हैं तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट राउंड जो डीपीएस और खेतान में हुआ था वो ये था कि बच्चे को लेके अलग चले गए थे, वहां पर भी एक पेरेंट जा सकता है अगर आपका बच्चा रोता है। अगर आपका बच्चा नहीं रोता है तो वो अकेले ही जाएगा। खेतान में निश्चय से जो पूछा गया था वो थी राइम्स थी, कलर्स थे, बॉडी पार्ट्स थे, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, ये था प्रोसेस। जो डीपीएस में जो निश्चय से पूछा गया था वो थोड़ा ज्यादा था, मतलब वहां पे देवा मोर ऑफ कि बच्चा क्या क्या कर सकता है। तो वहां पे उसे एक हुला हुल दी गई थी जहाँ पे उसे सर्कल जंप करके दिखाना था, जहाँ पे उसे कलरिंग करनी थी, उसको ये बताना था कि ये फिश कहाँ पे रहती है। वहां पे यू नो बीड्स और थ्रेड की भी एक्टिविटी थी और पोएम वहां पर भी उसे सुनानी थी, एनिमल डिफरेंशिएट करने। ये बच्चे का इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनर फिलिंग हो गया। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आज की डेट में सारे ही टॉप स्कूल्स में होता है वो है पेरेंट्स इंटरव्यू। अब जो खेतान स्कूल में इंटरव्यू हुआ था वहां पे एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था जहां करीब 50 पेरेंट्स को एक साथ बिठा दिया। हर एक पेरेंट को यू नो स्टैंड अप होके मदर फादर हर किसी को ही बोलना था कि हम क्यों खेतान स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्लस हमें अपना भी इंट्रोडक्शन देना था। बट अब आ जाइए डीपीएस नोएडा में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। यहाँ पे इंटरव्यू जो प्रोसेस था वो थोड़ा और प्रोफेशनल था, जहाँ पे केवल कुछ 10 to 12 ही पेरेंट्स एक रूम में बैठे थे। इट वॉज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लाइक थिंग, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन द फ्रंट ऑफ अस, एंड यहाँ पे हर एक पेरेंट को ज्यादा बोलना था, मतलब इंटरेक्शन ज्यादा बताना था। हमने डीपीएस क्यों पसंद किया, तो वहाँ पे हमें स्कूल की तारीफ करनी बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा यू नो फाइनली इंटरव्यू राउंड यहाँ पे खत्म हुआ। होप इस ब्लॉग से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपके काफी सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल गए हो। तो इसी बात पे कर दीजिए इस ब्लॉग को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिएगा। आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 playlists जो आप देख सकते हैं, एक नोएडा की एक दिल्ली की। प्लीज ये playlist पर जाइए, यहाँ पर काफी सारे ब्लॉग है, हो सकता है कि आपको आपका एक कोई मनपसंद या इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग मिल जाए। तो प्लीज इसी के साथ अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।